इतनी प्रसन्न हुई, तुरंत गोपियों को बुलवा भेजा, न्योता दिया कि आओ गोपियों हमारे यहाँ आप कीर्तन करो, भजन करो, नृत्य करो, क्योंकि आज मेरी लीला ने बोलो करवट बदल रही है। सुख तो बहुत थे, लेकिन जब तक संतान नहीं थी, जब तक लल्ला नहीं था, ऐसे लगता था जैसे जिंदगी सूनी सूनी है। गोपियां आएंगी, धमा चौपड़ी मचाएंगी, कीर्तन भजन होगा, ढोलक चिमटा सब बजेगा, और लाला यदि रोने लग गया तो मुझे तो उसके साथ रहना पड़ेगा। कीर्तन भजन में बाधा न पहुंचे, इसलिए मैया ने उसी समय दूध पिलाया और पालने मिलता करके घर से बाहर छकड़े के नीचे बिठा दिया। गोपियां आती हैं और खूब नृत्य करती हैं, गाती हैं, आइए मिलकर के हम भी भगवान की करपट बदलने के अवसर पर झूम कर नाचते हुए। कोई अपने को रोको नहीं, कोई रोके नहीं, कोई टोके नहीं, मीरा रानी दीवानी कहानी लगी, वो तो गली गली हरी गुण गाने लगी, ऐसी गात की लगन मीरा हो गई मदन, वो तो गली 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 हरी गुण गाने लगी। मिल करके आइए, मेरे गोविंद है गोपाल, मैं तो नाचूंगी, मेरा सांवला सलोना गिरधारी, हमें तो बड़ा प्यारा लगा, गिरधारी हमें तो बड़ा प्यारा लगे, मेरा शाम रसना की गिरधारी हमें तो बड़ा प्यारा लगे, मेरा शाम रसना की गिरधारी हमें तो बड़ा प्यारा लगे, मेरा शाम रसना की गिरधारी हमें तो बड़ा प्यारा लगे, मेरा शाम रसना की गिरधारी हमें तो बड़ा प्यारा लगे, मेरा I'm not afraid of the dark.
गर्गाचार्य ने पूजन किया, पाठ किया और जैसे ही जन्मपत् पिता के द्वारा नाम रखना चाहते थे, ध्यान दिया कि क्या नाम रखा जाए। नाम बहुत सोच समझ करके रखना पड़ता है। देखा नक्षत्र के अनुसार नक्षत्र के चार चरण होते हैं, अग्नि, ऐसे करके जो है वो नक्षत्र का नाम चरण के अनुसार से दिया जाता है। और उसी हिसाब से सबसे बड़े वाले का नाम रखना चाहते थे कि क्या पाया, वो तो यशोदा की गोदी में है, वो रोहिणी की गोदी में नहीं। तुरंत इशारा करके बोले कि अयम ही रोहिणी होगा राम, बहुत बलवान होंगे, इसलिए कुछ लोग इनको बलराम भी कहेंगे। जो लोग आपस में झगड़ा करेंगे उनके बीच में संधि करने वाला होगा, उनको मिलाने वाला होगा, इसलिए इसका एक नाम संकर्षण भी होगा। कि क्या नाम रखा जाए, तो चिंतन करते ही भगवान का दिव्य स्वरूप सामने आता है। संतों ने, विद्वानों ने पहले ही हजारों हजार नाम रखे, बिल्कुल समाधि में हो गए। मेरा कितना सौभाग्य है आज इस परमात्मा को बाल रूप में अपने सामने भी करा। अरे ये तो घंटों घंटे क्या, ये तो बरसों बरस भी अगर समाधि में रहे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तब तक यहाँ पर बैठी रहेगी तो दूसरे के तमाम काम हमने करने हैं। बाबा को जगाया बाबा, और कितनी प्रतीक्षा करनी है। हरी भैया तो कितनी भाग्यशाली है, मेरे घर कुछ साधारण बालक नहीं आए। कहना चाहते थे कि तुम्हारे घर नारायण आ रहा है, लेकिन जानते हैं आत्मा काल करती है, लेकिन कहीं हमारी बोल पड़ती मत खोल देना, नहीं तो आगे की लीला यही विश्राम हो जाएगी। भैया साक्षात नारायण हूँ, तो भैया उनके मन में बाल भाव नहीं, फिर तो ऐश्वर्य भाव आ जाएगा, भक्ति भाव आ जाएगा। आया हूँ मेरी लीलाएं अवरुद्ध हो जाएगी, इसलिए गर्गाचार्य जी कह तो रहे हैं लेकिन मिलता पिता ये नहीं कहा कि स्वरूप वाला है, इसलिए इनका नाम होगा कृष्ण। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। और अपने आप को मंडल के पुरुष बन गए, किसी को मंत्री बना दिया, किसी को संतरी बना दिया, किसी को गुप्तचर बना दिया। गुप्तचरों का कार्य गुप्त सूचनाएं डालना कि किसी घर में कौन वो भी कहां को माता कर रही है, बताना, फिर ऐसी प्लानिंग करना कि वहां जाओ और माखन सबके आ जाए। अपनी मंडली के साथ जाते हैं, न केवल माखन खाते हैं, दलील बांटते हैं, अभी तो बच जाता है तो बंदरों के हलवों को भी लुटाते हैं और तब मटकी को फोड़ करके वहां से 9-2-11 हो जाता है। गोपियां मैया के पास भागवत में क्या वर्णन किया, एक दिन मैया की गोदी में बैठे लेटे लेटे दूध पी रहे थे, तभी एक कृणावर्त नाम का असुर आ गया, भयंकर गबंडन का रूप बना करके और सोच रहा है कि जब गोविंद अकेले होंगे
तब मैं उड़ा करके आकाश की तरफ ले जाऊंगा। और भगवान समझ गए कि कृष्णावर्त आना चाहता है, मुझे उड़ा करके ले जाना चाहता है, लेकिन इस समय मेरे साथ मेरी माँ, मैं अपनी रक्षा तो कर सकता हूँ लेकिन अपनी मैया की कैसे रक्षा कर सकता हूँ। इसलिए प्रभु ने अपनी माया से अपने शरीर को भारी करना शुरू किया। मैया क्या सोच रही है, अरे लाला तो अभी अभी हल्का था, इतना वजनदार कैसे हो गया? ऐसे तो नहीं इसने दूध ज्यादा पी लिया हो। भगवान की माया से मैया को यही सुझाई पड़ा, नहीं नहीं ज्यादा दूध नहीं पिलाना चाहिए, कहीं अपच न हो जाए। इसलिए मैया वही बाहर पालने में लिटा करके भीतर चली जाती है। बस मौका मिल गया, तृणामृत आता है और अपने बवंडर में अपने आमृत में गोविंद को लपेट करके सीधे आकाश की तरफ उड़ता चला जाता है। और जब तक गया आकाश की तरफ, भगवान तो बहुत अच्छा है, छोटे बच्चे को ऊपर की तरफ उठाओ, ऐसे ऐसे करो, बहुत खुश होते हैं। लेकिन जैसे तृणामृत ने सोचा कि यदि इस बच्चे को जीवित अवस्था में मथुरा ले जाकर के कंस को सौंपूंगा तो बहुत कहीं ज्यादा खुश होगा, और हो सकता है अपने मंत्रिमंडल में मुझे मंत्री बनाए, हमारे महाराज को ऐसे ही तो चाहिए होते हैं असुर जो उनके सारे कार्य कर सके। और जैसे ही मथुरा की तरफ ले जाने का मन बनाया, भगवान समझ गए और बोले, मामा जी अभी तो हम गोकुल में वृंदावन में ब्रजमंडल में रह करके खाना खिलना चाहते हैं, लीलाएं करना चाहते हैं, अभी हम मथुरा नहीं जाना चाहते हैं। जैसे गला दबाना शुरू किया महाराज, उसी समय उसके प्राण पखेरु उड़ गए, ऐसा धक्का दिया कि धरती पर आकर के चट्टान से टकराया। और जैसे टकराया वैसे चकनाचूर होकर के गोविंदाय नमो नमः। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री वंदनारायण भगवान की। मैया फिर आते हैं, माटी खाई है। मैया ने पूछा, लाला क्या तूने माटी खाई है? कि कस्मान मृगमदान्तात्मन भवान भक्षितवान रह। कन्हैया कहते मैया मैंने माटी नहीं खाई है, और हाँ यदि खाई है तो आप इनकी बातों पर विश्वास मत करो, मेरे मुंह को खुलवा करके देख लो। ठीक है लाला, चल अपना मुख खोल। तो जैसे ही गोविंद ने मुख खोल करके दिखाना चाहा, तो भगवान की ऐश्वर्य शक्ति ने सोचा कि माटी तो मुख में लगी ही, अब मैया लेते की तो खींच करके एक थप्पड़ जरूर लगाएगी और जीवात्मा के द्वारा परमात्मा की पिटाई हो जाए, कौन सा औचक है। इसलिए उसी समय भगवान के मुख के भीतर पूरा ब्रह्मांड उपस्थित कर दिया। मैया क्या देखती है कि मेरे लाला के मुख के भीतर समझते देर नहीं लगी कि मेरा लाला साक्षात भगवान है। हाथ जोड़ करके बैठ रही है, गोविंद ने मैया की तरफ देखा, अरे मैया ये क्या कर रही हो? मैया ने कहा, लाला मैं तो सोच रही थी तेरे मुख के भीतर माटी लगी होगी, लेकिन तेरे मुख के भीतर तो मिट्टी के पत्थर के बड़े बड़े पहाड़ भरे पड़े हैं। लाला तो कुछ साधारण नहीं है, तो साक्षात भगवान है। भगवान प्रभु ने सोचा, लो
देखो ये समस्या है। अब यदि मैया ने मुझे भगवान मान लिया, पक्का मान लिया कि मैं भगवान हूँ, तो जानते हो मैया क्या करेगी? सीधे उठाएगी और अलमारी के भीतर या छोटा सा मंदिर के भीतर राधे राधे है, सुबह शाम थोड़ा सा आएगी और दिया बत्ती करके थोड़ा सा मिश्री का भोग या वो सफेद इलायची दाने का भोग लगा करके बस तेरा दुष्को अर्पण क्या लागू हो गई मेरी लीला को, जबकि मैं तो यहाँ को समा चौकड़ी बचाने के लिए आया हूँ। यहाँ से बोले अभी भैया सोचते रहे, अरे अगर बड़े बड़े पहाड़ मेरे मुख के भीतर होते तो क्या अपना मुख मैं बंद कर पाता? मुझे तो ये लगता है कि बुढ़ापे में तुम्हारी ये आंखें चकाचौंध आ गई हैं। होता है ना, जब अवस्था ज्यादा हो तब कुछ दिखाई दिया तो मैं भगवान और कुछ न दिखाई दिया तो मैं तुम्हारा लाला। और अब की बात मुख खोल करके देखा, मिट्टी तो सारी भगवान अंदर कर चुके थे, मुख बिल्कुल साफ। भैया ने तुरंत लपक लिया, अपने हृदय से लगा लिया, नहीं लाला अरे मैं तुझे भगवान मान बैठी होती वो तो ठीक लगे, तुमने दोबारा अपना मुख खोल करके दिखा दिया। तो कोई भगवान भगवान मेरा लाला है, मेरा प्यारा है, मेरा दुलारा है, मेरे हृदय का कलेजा है। बोले राधे राधे।